शहरी वर्ग के बच्चों का खेलों के साथ संबंध कहीं नहीं दिखता रहता है, लेकिन गांव के बच्चों को अपने खेलों के प्रति प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता। इस बीच गांव के इन बच्चों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए अमृतसर में चौथी राष्ट्रीय युवा ग्रामीण खेलों का आयोजन यूथ रूरल गेम और स्पोर्ट एसोसिएशन पंजाब की ओर से किया गया, जिसमें पंजाब प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रधान ममता दत्ता ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके प्रधान बलविंदर सिंह, सुखजिंदर सिंह सुख और गुरजीत सिंह राणा की तरफ से आए हुए गणमान्य लोगों को फूलों के गुलदस्ते देकर सम्मानित किया गया। अमृतसर से जाट टीवी न्यूज के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट। बॉयज एंड गर्ल्स क्रिकेट दी टीम, फुटबॉल दी टीम, कबड्डी दी टीम, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, बैडमिंटन, खो खो, रस्साकसी, चैस, स्केटिंग, हाकी का जो खास साड़ी जो नैशनल गेम हाकी है उसका भी इस विच प्रबंध है। ये 3 दिन का प्रोग्राम है जी, 26, 27, 28 तक चलेगा जी। अज असी इस प्रोग्राम टूरनामेंट की शुरुआत की है। 28 तरीक शाम 5 बजे इस ही ग्राउंड में MLA श्री सुनील दत्ती जी इसका जो है इनाम वंड समागम करेंगे। जे कसे जा रहे हैं नशे के उपर, और मैं समझती हूँ इस तरह दी गेम्स उन्होंने बच्चों वास्ते बहुत ही ज़्यादा जरूरी ने, जिन्हों के नाल साडे बच्चे जिहड़े साडा देश दा भविख ने वो अगे आणगे। और मैं समझती हूँ इस यूथ क्लब तो सारियां नूं ही प्रेरणा लैनी चाहिए है कि इस तरह दीआं साडे नौजवानों जिहड़े नशे तो दूर रखदियां ने इस तरह दीआं गेम। नहीं जरूर हुण जिहड़ी है हुण जिहड़ी साडी सरकार आई है कांग्रेस दी, जरूर जिहड़ी इस तरह दी कोई मुश्किल है, मैं आंदे ही पहले इन्हां नूं गल इस चीज़ के वास्ते इन्हों मैं पहले आके यही रखी अपना कि जे तुहानूं कोई भी किसी तरीके की मुश्किल है बच्चों दी गेम्स के वास्ते ग्राउंड की या किसी तरीके की होर एफर्ट की, असी वो वास्ते जरूर एक कदम चुकांगे कि साडे बच्चों गेम्स जिहड़ियां ने जरूर मिलनियां चाहीदियां खेलण वास्ते।